हे गाइस, तो इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है पेंट हाउस। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के पीरियड क्वेश्चन ना, इसके पिछली वाली क्वेश्चन है जो कि थी मैक्सिमम सम नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स। ओके, और बेसिकली इस क्वेश्चन में हम ना बस व्हाट और हाउ डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन की वाई पिछले क्वेश्चन में है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखी, अपने उसकी वीडियो नहीं देखी, तो आपको हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आए, तो मैं एडवाइस करूंगा आप वो क्वेश्चन जाकर देख लो, उसके बाद यहाँ आओ तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इनपुट को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें आखिर इनपुट में दिया क्या गया है, और इसके साथ में क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो हमें कुछ ऐसा इनपुट दे रखा है। ओके, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि हमें एन हाउसेस दिए हैं। ओके, हमें एन घर दिए हुए हैं, हमें एक जॉब दी गई है कि आप इन एन हाउसेस को पेंट करो, और आपके पास आप एक हाउस को किसी एक कलर से पेंट कर सकते हो, और आपके पास तीन ऑप्शन है। आप उस हाउस को या तो रेड से, या तो ब्लू से, या तो ग्रीन से पेंट कर सकते हो। ओके, तो इन तीनों में से किसी एक कलर से आपको पेंट करनी है, और हर कलर से पेंट करने की कॉस्ट हर कलर के लिए अलग है। तो वही हमें इनपुट दी गई है, ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमें कॉस्ट दी हुई है हर कलर को किसी पार्टिकुलर हर घर को किसी पार्टिकुलर कलर से पेंट करने की। तो जैसे ये 157 लिखा है, 584, 329 और 124। तो ये है क्या, ये फर्स्ट हाउस के लिए रेड, ये ब्लू और ये ग्रीन। तो ये फर्स्ट हाउस को अगर मैं रेड से पेंट करूँ तो मुझे ₹1 लगेंगे, अगर मैं फर्स्ट हाउस को ब्लू से पेंट करूं मुझे ₹5 लगेंगे, और अगर मैं फर्स्ट हाउस ग्रीन से पेंट करूं मुझे ₹7 लगेंगे। तो इसी तरह हर हाउस के लिए, हर एन हाउसेस के लिए कॉस्ट दी गई है उस पार्टिकुलर, उस करस्पॉन्डिंग कलर के साथ। ओके, तो ये बेसिकली हर घर के लिए कॉस्ट दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन सारे हाउस को पेंट करना है, और टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, पर टोटल कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव घरों को सेम कलर ना पेंट करते। जैसे कि सपोज मैंने इसको रेड पेंट कर दिया। ओके, उसके बाद मैं अगर दूसरी लाइन में आता हूँ तो मैं इसे रेड पेंट नहीं कर सकता, मेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं या तो इसे ब्लू पेंट कर सकता हूँ, या तो ग्रीन पेंट कर सकता हूँ। ओके, और मैंने मान लो इसे ब्लू पेंट कर दिया, तो मैं अगले वाले को ब्लू नहीं पेंट कर सकता। तो जैसा मैंने बोला, किसी दो कंसेक्यूटिव घरों को आप सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते, और आपको सारी घरों को पेंट करना है, और आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे, तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सबसे पहले इनपुट मैट्रिक्स ले लूँगा, इधर ही सही इनपुट मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मुझे इसकी यूज है। और मैं क्या करूँगा, मैं जिस साइज की हमें इनपुट मैट्रिक्स दी हुई है, मैं उसी साइज की एक टीबी बना लूंगा। ओके, तो मुझे एक 2D लिस्ट है मेरे पास, तो मैं इसी साइज की एक 2D लिस्ट बनाऊंगा, और मैं क्या करूँगा, मैं हर पोजीशन पे टोटल कॉस्ट फिल करते जाऊंगा उस रेस्पेक्टिव कलर के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारा शो क्या कर रहा है। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना रखा है, मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, तो फर्स्ट रो शो करेगी कि रेड से पेंट करने की कॉस्ट, सेकंड रो शो करेगी ब्लू से पेंट करने की कॉस्ट, और थर्ड रो ग्रीन से पेंट करने की कॉस्ट। तो आप थोड़ा सोच कर देखो, फर्स्ट रो की पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो इससे पहले कोई घर है क्या, नहीं है ना। तो बेसिकली फर्स्ट रो को पेंट करने की टोटल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है वही हो जाएगी, राइट, क्योंकि इससे पहले कोई कॉस्ट है ही नहीं। तो अगर मैं इसे मैं रेड पेंट करता हूँ, मैं टोटल कॉस्ट 1 हो गई, इसे मैं ब्लू पेंट करता हूँ उसकी टोटल कॉस्ट 1 हो गई, और इसे मैं ग्रीन पेंट करता हूँ उसकी टोटल कॉस्ट 7 हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट अब तक यही आ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट फर्स्ट रो बेसिकली एग्जैक्ट सेम हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट रो ये मैट्रिक्स है हमारी, और ये मैं 2D भी बना रहा हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट रो हमारी दोनों में सेम हो जाएगी। ओके, नाउ अब असली कहानी स्टार्ट होती है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक्चुअली मिनिमम कॉस्ट फाइंड कैसे करते हो, ये ध्यान में रखते हुए कि आप सेम कलर से ना पेंट कर दो कंसेक्यूटिव रोज को। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जिस पॉइंट पर भी जाऊंगा ना, जैसे मैं यहाँ पर आया और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, रेड के, तो मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप इसे रेड नहीं पेंट कर सकते हो,
और किसी तरह से नहीं पेंट कर सकते, आप इसे रेड पेंट कर सकते हो, तो आप मुझे मिनिमम कॉस्ट बता कर दिखाओ। तो मैं अगर मैं आपको बोलूँ ये रेड इसे रेड पेंट करो, तो क्या, तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि मैंने इसे रेड पेंट नहीं किया था, तभी ना मैं इसे रेड पेंट कर पा रहा हूँ। तो मैंने इसे रेड पेंट नहीं किया था, मैंने इसे रेड पेंट नहीं किया था, तो मैंने इसे या तो ब्लू से किया होगा या तो ग्रीन से किया होगा। तो अगर मुझे मिनिमम कॉस्ट बतानी है तो मैं मिनिमम कैसे बताऊंगा, मिनिमम टोटल कॉस्ट बतानी है राइट, अब तक के सारे सारे घरों का पेंट करते हुए। तो मुझे इसे पेंट करके मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो मैं इसे पेंट करूंगा तो इसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली ऐड होगी। तो इसकी कॉस्ट अब तक क्या है, 5 है। और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, इससे पहले की अब तक की मिनिमम कॉस्ट, तो इससे पहले की मिनिमम कॉस्ट ऐसे तो 1 है, मगर मैं इसे रेड पेंट नहीं कर सकता, तो मैं इसे एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसे एक्सक्लूड कर दूंगा और मैं इन दोनों का मिनिमम देखूंगा। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर मैं पिछले का मिनिमम निकाल रहा हूँ ना, तो मैं डीपी में देखूंगा, क्योंकि डीपी में अब तक की टोटल कॉस्ट स्टोर हो रही है, और मैं करंट का कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ तो मैं मैट्रिक्स में देखूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स में हर पोजिशन की करंट कॉस्ट दी हुई है। ओके, तो ये क्या है, ये मेरी करंट कॉस्ट है, मैं इसे रेड से पेंट करूंगा तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी, और मैं प्रीवियस कॉस्ट निकालूंगा, प्रीवियस की मिनिमम क्या आ जाएगी, 5 और 7 की मिनिमम क्या मिलेगी, मुझे 5 मिलेगी, तो मैं इसे 5 ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल 10 मिल जाएगी, तो ये वैल्यू मुझे 10 मिल गई। सिमिलरली अगर मैं फोर्स करूँ आपको इसे ब्लू से पेंट करने की, अगर मैं बोलूँ और आप इसे ब्लू से पेंट करो, ओके मैं बोलूँ आप इसे ब्लू से पेंट करो, तो इसका मतलब आप इसे ब्लू से पेंट करो तो आप पिछले वाले को ब्लू से पेंट नहीं कर सकते, तो आपको या तो रेड से करनी होगी, ग्रीन से पेंट करनी पड़ेगी, और आपको इसमें मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम निकालने के लिए आप 1 और 7 की मिनिमम निकालोगे तो आपको मिनिमम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 आपको प्रीवियस मिनिमम मिल गई, मतलब अब तक की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी आपको, और आपको करंट कॉस्ट ऐड करनी है, करंट कॉस्ट क्या है हमारे पास, 8 है, तो 8 + 1 मुझे 9 मिल गई। सिमिलरली 4 मैं ले रहा हूँ तो मुझे 1 और 5 की मिनिमम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ग्रीन नहीं पेंट कर सकता, 4 ग्रीन के अक्रॉस है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये रेड है, 4 ग्रीन के अक्रॉस है, तो मैं इसकी मिनिमम नहीं लूंगा, इसको मिनिमम में नहीं लूंगा, और इन दोनों को लूंगा, तो 1 और 5 की मिनिमम क्या मिल गई मुझे, 1 मिल गई, तो 1 में 4 में ऐड कर दूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगी। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब 3 पे आता हूँ मैं। ओके 3 में मैं इसे कंसिडर नहीं करता मिनिमम निकालने में, मैं अब क्या करूँगा, मैं पिछले की मिनिमम निकालूंगा, अब तक की टोटल कॉस्ट हुई कितनी है, तो अब तक टोटल का मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने पिछले को रेड पेंट किया था, तो ये कंसिडर नहीं होगी, तो मैं इन दोनों मिनिमम निकालूंगा, तो इन दोनों मिनिमम मुझे क्या मिला, 5 मिला, 5 को मैं करंट कॉस्ट ऐड कर दूंगा, 5 + करंट कॉस्ट मुझे 8 मिल गई, करंट कॉस्ट 3 थी, 5 + 3 8 हो गई। अब मैं 2, अब मुझे क्या करना है, 2 + मिनिमम निकालना है, मिनिमम इन दोनों में, इन तीनों को नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने मुझे ब्लू पेंट करनी है राइट, तो मैं 9 कंसिडर नहीं करूंगा, तो मुझे 10 और 5 की मिनिमम चाहिए, तो 10 और 5 की मिनिमम मुझे 5 मिल गई, 5 को मैं 2 में ऐड कर दूंगा, मुझे 7 मिल जाएगी। तो अब वो अगर आपको समझ में आ रहा है, ये वैल्यू है ना, ये अब तक की टोटल कॉस्ट शो कर रही है, अगर मैं इसे रेड पेंट करूँ, इस घर को मैं रेड पेंट कर रहा हूँ, तो अब तक की टोटल कॉस्ट मुझे 8 मिलेगी, इससे मैं ब्लू पेंट कर रहा हूँ तो अब तक की टोटल कॉस्ट मुझे 7 मिलेगी, और ये अब तक की टोटल कॉस्ट ऐसे जानते कैसे आ रहे हो, अब तक की टोटल कॉस्ट ऐसे आ रही है कि कोई भी दो घर सेम पेंट नहीं हुए हैं। ओके तो ऐसे ही मैंने अब तक हमारे रूल हमेशा फॉलो होते आ रही है। ओके ये बात को ध्यान में रखनी है। ओके अब मैं इसका देखता हूँ, ये मैं ये टोटल, अब इसकी करेंट कॉस्ट 9 है, तो 9 + मैं इसे इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रीन है, तो 10 और 9 की मिनिमम निकालूंगा तो मुझे 9 मिलेगी, तो 9 + 9 मुझे 18 मिल जाएगी, 9 + 9 मुझे 18 मिल गई। तो अब मैं लास्ट रो में आता हूँ, इसकी करंट कॉस्ट 1 है, 1 है, तो ये रेड के अक्रॉस है, तो मैं रेड को नहीं लूंगा, तो मैं 7 और 18 में मिनिमम निकालूंगा, 7 और 18 की मिनिमम क्या आ गई मुझे, 7 आ गई, 7 + करंट कॉस्ट 1 है, तो 7 + 1 8 आ गई। अब मेरी करंट कॉस्ट 2 है और मैं इसे ब्लू पेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा, तो 8 और 18 मिनिमम निकालूंगा, तो मुझे 8 मिलेगी, 8 + 2 10 आ गई। वैसे ही अगर मैं इसे ग्रीन पेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे नहीं लूंगा, तो 8 और 7 मिनिमम निकालूंगा, तो मुझे मिनिमम 7 मिली, और 7 + करंट कॉस्ट मेरी 4 है, तो मुझे 11 मिल गई। तो अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने मैंने सेम साइज की लिस्ट बनाना चाह रहा था, मैंने वो बना दी, अब मैं पूरी डीपी फिल कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, ये लास्ट रो आखिर आया क्या, ये बेसिकली अब तक की टोटल कॉस्ट आ गई है, मतलब ये सारे घरों को पेंट करने की कॉस्ट आ चुकी है, जिसमें कोई भी दो घर सेम कलर से पेंट नहीं हुए हैं। तो अगर हमें पूछा था कि सारी कॉस्ट बताओ तो यही आंसर हो जाता है, ये पूरी दो आंसर हो जाती है, लेकिन हमें पूछा क्या है, मिनिमम कॉस्ट। ओके तो मिनिमम कॉस्ट इसमें से कौन सी होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो है 8, तो हमारे आंसर 8 हो गया। तो यही मैं करूंगा, मैं पूरी डीपी फिल कर दूंगा, उसके बाद
लास्ट रो की इग्नोर निकाल दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके चलो इसे कोड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में क्योंकि हम पाइथन में कर रहे हैं तो इसका इसकी इनपुट थोड़ी ट्रिकी होगी, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे यहाँ पर देना। तो मुझे एक इंट एन चाहिए, इंट इनपुट डेली। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जो कि मेरी इनपुट मैट्रिक्स रहेगी। तो मुझे टू डी लिस्ट बनानी है। टू डी लिस्ट कैसे बनाते हैं, अगर मैं लिस्ट एक वन डी लिस्ट के अंदर एक और वन डी लिस्ट डाल दूँ तो क्या वो टू डी बन जाएगी? अगर मैं एक वन डी लिस्ट लूँ इसके अंदर एक नहीं बल्कि, क्योंकि हमारी साइज एन है राइट, तो मैं यहाँ पर एन वन डी लिस्ट डाल दूँ, मैं टू डी लिस्ट मिल गई। और इन वन डी लिस्ट की साइज क्या होगी, हमें कलर्स कितनी दे रखी हैं, तीन दे रखी हैं, तो हर हर अंदर की लिस्ट की साइज थ्री रहेगी। ओके तो मैंने ये वन डी लिस्ट ले ली। अब क्या करूँगा, मैं फॉर लूप चलाऊंगा और इसकी रेंज रखूंगा मैं एन तक। ओके ठीक है, हमारे पास एन रोज हैं। और इसमें क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इनपुट लिस्ट, जो कि ये लाइन इनपुट ले रही है, ये जो इनपुट मिल रही है ना हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रही है। ओके हमें इसे समहाउ इंटीजर में भी कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपने टू डी लिस्ट में भी डालना है। तो वो मैं कैसे करूँगा वो आप देखो इधर। मैं क्या करूँगा, मैं पहले इनपुट लिस्ट में इनपुट ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, लेट अस से एल आई नेम्स बना दी। ओके मैंने एक और लिस्ट बनाई। ये लिस्ट मैंने क्यों बनाई, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक लिस्ट को टू डी लिस्ट बनानी है तो आप उस लिस्ट के अंदर और लिस्ट स्टोर कर दो। तो ये जो मैं उस लिस्ट मैट्रिक्स के अंदर जो लिस्ट डालने वाला ना वो वाली लिस्ट है। ओके और मैं इस एलआई के अंदर ये सारे एलिमेंट स्टोर कर दूंगा इंटीजर फॉर्म में। ओके तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आप लिस्ट लेके उसको दोबारा लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो बेसिकली ये जो लिस्ट है ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में, मुझे उसको इनपुट लिस्ट में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद स्टोर करना है। ओके क्योंकि मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे एक और लूप चलानी पड़ेगी, मैं जे लूंगा यहाँ पर, जे इन रेंज थ्री तक चलाऊंगा। तो बेसिकली रेंज में ना आप अगर आप जीरो स्टार्ट करो तो आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं वही करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो इनपुट लिस्ट मिली मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा। ये स्प्लिट क्या क्या करेगा, जहाँ भी स्पेस है ना वहाँ पर ये इन वैल्यूज को अलग अलग कर देगा। तो जैसे 1 5 1 space 5 space 7 मिली है मुझे, 1 5 और 7 अलग अलग मिल जाएगी मुझे, और वो एक लिस्ट में आ जाएगी। स्प्लिट वही करता है, तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया, ये एक लिस्ट मिल गया मुझे। अब मुझे लिस्ट की एक एलिमेंट एक्सेस करनी है, तो मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ जे लिख दूंगा, जे 0 से 2 तक है, तो ये 0 1 2 एलिमेंट्स मुझे एक्सेस हो जाएंगे। और इसे मैं क्या करूँगा, मैं काफ़ी सारा काम एक ही लाइन में कर रहा हूँ, पर अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईजिली कर लोगे। तो ये मैंने क्या कि पहले मैं इनपुट लिस्ट लिए, उसे मैं स्प्रेड करके अलग अलग एलिमेंट्स बना लिए और एक लिस्ट बना ली, और उसे उसकी सारी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये जे यूज़ किया है। अब मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल गई है, अब मैं इस एलिमेंट को इंटीजर बना दूंगा। वो कैसे, मैं यहाँ इंट लगा दूंगा, तो वो एलिमेंट इंटीजर मिल गई मुझे। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ना उसमें ये एलिमेंट ऐड कर दूंगा। ओके तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इस लिस्ट में जैसे 0 के लिए मैंने इस लिस्ट में 1 ऐड कर दिया, फिर 1 के लिए लिस्ट में 5 ऐड होगी, फिर 2 के लिए लिस्ट में 7 ऐड हो जाएगी, तो 1 5 7 ऐड हो गई। वैसे ही जब i1 पहुंचेगी तो 5 8 4 ऐड होगी, i2 पहुंचेगी तो 3 2 9 ऐड हो जाएगी, ऐसे ही होने वाली है। ओके तो अब मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट मैंने बना ली उसे मैं सिंपली मैट्रिक्स में ऐड कर दूंगा। और कैसे करूंगा, मैट्रिक्स डॉट इंसर्ट और ith पोजीशन पे, जैसे मैं अभी 0 पे हूँ तो 0 पे मैं एलआई डाल दूंगा, वेरी सिंपल। तो मैंने अब क्या किया, मैंने पूरी मैट्रिक्स इनपुट ले ली है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक डीपी बनानी पड़ेगी। डीपी भी सिमिलरली मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि डीपी की पहली रो तो एग्जैक्ट सेम रहेगी क्योंकि इससे पहले कोई रो थी ही नहीं, तो टोटल कॉस्ट अब तक की कॉस्ट ही हो जाएगी। ओके तो डीपी मैंने एक लिस्ट बना ली। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, डीपी में 0th रो में सेम वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, डीपी 0
और यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट रहेगी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की। ओके तो मैं ऐसा करूँगा, मैं थोड़ा ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके तो मैट 0 0 और मैट 0 1, तो ये बेसिकली ये लिस्ट है मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की। ओके 0 2। ओके तो ये ब्रैकेट डाल के मैंने एक लिस्ट बना ली। ये एक्चुअली है क्या, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ओके तो जल्दी से ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये कर क्या रहा है, ये एक डीपी बना रही है, जैसे एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके उसमें मैं 0th इंडेक्स पे एक और लिस्ट डाल रहा हूँ, तो लिस्ट ऐसी कुछ आ जाएगी और इसमें मैट्रिक्स 0 0, मैट्रिक्स 0 0 पे 1 है, मैट्रिक्स 0 1 पे 5 है और मैट्रिक्स 0 2 पे 7। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो 157 157 आ जाएगी। तो बेसिकली एक लिस्ट मिल जाएगी मुझे, ओके कॉमन ही एक लिस्ट मिल जाएगी मुझे 157 की। ओके तो यही हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अब एक लूप चलाऊंगा कि मैंने 0th एलिमेंट ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर कर लिया है, तो मुझे 1 से फिल करनी है। तो फॉर आई इन रेंज 1 2 कहाँ तक मैं ले जाऊँगा, एन तक। और इसमें मैं करूँगा, मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर दूसरी लिस्ट में डाला था, वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बनाऊंगा, उसे डीपी में डालूंगा और लिस्ट में स्टोर क्या करूँगा, मैं लिस्ट के 0th इंडेक्स पर कुछ वैल्यू सेट करूंगा। तो 0th इंडेक्स क्या शो कर रहा है, मतलब 0th कॉलम, और 0th कॉलम किसके लिए है, रेड के लिए है। तो मैं बेसिकली ये 10 9 5 फिल कर रहा हूँ। ये 10 मुझे आया कैसे था, इन दोनों का मिनिमम प्लस एरे ऑफ करंट एलिमेंट। तो इन दोनों का मिनिमम कैसे आएगा, मैं जैसे मैं अभी इस रो पे हूँ, तो इन दोनों का मिनिमम आने के लिए मैं एक रो पीछे जाऊंगा, इन दोनों का मिनिमम निकालूंगा और उसे करंट वैल्यू से ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले मिनिमम निकालूंगा, मिनिमम निकालने के लिए मैं मिनी यूज करूंगा और यहाँ पर मैं टीपी, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आप पिछले की मिनिमम निकाली तो आप डीपी में देखोगे और करेंट कॉस्ट जोड़नी है तो आप मैट्रिक्स में देखोगे। तो मैं डीपी मिनिमम निकाल रहा हूँ, डीपी आई भी हो गई, क्योंकि मैं 0 ले रहा हूँ तो मैं 0 ले सकता, मैं 1 लूंगा। डीपी आई 2 ओके, क्योंकि मैं 0 का ले रहा हूँ, मैं 0 कंसीडर नहीं कर सकता राइट, तो मैं बाकी दोनों का मिनिमम निकालूंगा तो वो 1 और 2 हो जाएगी। और मुझे 1 रो पहले चाहिए तो मैं आई माइनस 1 कर दूंगा। ओके और इसके साथ मैं करंट वैल्यू ऐड कर दूंगा। ओके वो क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू अरे नहीं मैम, मुझे मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, मैट्रिक्स हो जाएगी आई और 0th कॉलम पे हूँ तो मुझे 0th वैल्यू ऐड कर, 0th कॉलम की। ओके और यही काम मुझे 2 बार और करना है, 2nd और 1st कॉलम के लिए। बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दो, इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। ओके और ये हो जाएगी 2। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैं मैट्रिक्स में इंसर्ट कर दूंगा इस li को i30 इंडेक्स पे, नॉट मैट्रिक्स में, लिस्ट में। ओके लिस्ट में भी नहीं, डीपी में करनी है। ओके सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्या करूँगा, डीपी में इंसर्ट कर दूंगा कि मुझे फाइनली डीपी बनानी है राइट। मैं डीपी में सेट कर दी, तो मैंने अब क्या किया, मैं इस डीपी से बाहर निकल जाऊँ क्योंकि मैंने एन तक एन मैच में तक इंटरेट कर लिया, तो मैंने सारी डीपी फुल कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, मुझे लास्ट रो की मिनिमम चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं मिनिमम यूज करूँगा और डीपी एन माइनस 1 0, क्योंकि मेरे पास 3 ही एलिमेंट्स है राइट लास्ट रो में, एक रेड के लिए, एक ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, मैं उन तीनों को मिनिमम निकालूंगा। तो मैं मिनिमम फंक्शन यूज कर सकता हूँ, लूप की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ कर दूंगा मैं, एन माइनस 1 1 और दूसरा डी पी एन माइनस 1 और यहाँ पर 2
तो ये क्या कर रहा है, ये मिनिमम 1 और 2 का मिनिमम निकाल रहा है, और ये मिनिमम बेसिकली इन तीनों का मिनिमम निकाल देगा। ओके, तो अब और कुछ नहीं करना है, बस इस रेस को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो लेट अस रन एंड सी, कुछ गड़बड़ हुई है। स्टीयर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट पता नहीं क्यों दे दी, ये नहीं देनी थी। तो रॉन्ग आंसर मिली हमें, कुछ गड़बड़ की इसका मतलब हमने। अच्छा, यहाँ पर मैंने अराई की जगह लिस्ट यूज करना था, तो देखो हमें सही आंसर मिल गया। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आई होप आपको मजा आया हो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आई हो। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।